इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN7 में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना के दौर में ही ईद उल अज़हा मनाई गई, जो खुशी कुर्बानी का जज्बा हर साल रहा करता था, कुछ हद तक कमी महसूस की जा रही थी। नमाज ईद 7:15 बजे ही अक्सर मस्जिदों में अदा की गई। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर मास्क का भी एहतमाम काफ़ी संजीदगी से करते देखा जाता है। इसका मतलब यह भी समझा जा सकता है कि लोगों के चेहरों पर मौत का डर साफ नज़र आ रहा है। तभी तो किसी का इंतकाल हो रहा है तो रिश्तेदार घर के लोग भी मैयत के करीब जाने से गुरेज कर रहे हैं। एहतियात अपनी जगह पर हमारे दिलों में सिर्फ खौफ खुदा होना ज़रूरी है। कुर्बानी के जानवर आज दूसरे दिन भी ज़बह किए गए। जाहिर है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोगों की मौत हुई, मौत की वजह कोरोना ही कह नहीं सकते, लिहाजा डर खौफ की वजह से ही काफ़ी मौतें होती नज़र आ रही है। कुछ मौतें इलाज सही तरीके से ना होने से भी हुई है। मरीज जहाँ पर मामूली दवाओं से ठीक हो सकता है, उसे वेंटिलेटर ऑक्सीजन तक ले जाया जा रहा है और लाखों के बिल निजी अस्पतालों में लिए जा रहे हैं। बेलगाम जिला में आज फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 200 के करीब रही। 50 डिस्चार्ज तो 10 के करीब मौत हुई है। आज की अहम खबर यह भी रही कि वजीर दाखिला यानी कि गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दूसरी ओर फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन को नेगेटिव बताया जा रहा है। आवाम का कहना है कि बड़े लोगों को पॉजिटिव बताना भी सियासत का हिस्सा है, कभी मौतों के आंकड़ों में इनका नंबर क्यों नहीं लगता, जबकि अस्पतालों में गरीबों का भी इलाज होता है पर अमीर ही बच जाते हैं। खैर, पूरा देश कोरोना की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। कोरोना चारों तरफ से दबोच रहा है तो देश में मरीजों की तादाद 20 लाख के करीब पहुँच चुकी है, तो 40,000 मौतें हो चुकी हैं। रोज लाखों की तादाद में पॉजिटिव मुतासरीन पाए जा रहे हैं तो हज़ारों की मौत हो रही। इसके बावजूद भी मुल्क में सब कुछ ठीक है, कह देना कि राम मंदिर की तामीर से कोरोना चला जाएगा, इसे सिर्फ जहनी दिवाला ही कह सकते हैं। यकीनन लाखों भारतीयों के जज्बात हो सकते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक को अपने मज़हब के साथ मोहब्बत, अपने रस्म रिवाज के साथ जीने का हक है और यह हक किसी दस्तूर आईन संविधान ने हमें दिया है। पर क्या देश में राष्ट्रीय आपदा जैसा माहौल बना हो, इसमें राम मंदिर की तामीर या शिलान्यास जरूरी है, ऐसा सवाल कई सियासी पार्टियों ने किया है। इसमें एक और मुश्किल यह भी है कि जो मुहूर्त राम मंदिर के लिए हुकूमत की जानिब से निकाला गया है, इसकी मुखालिफत भी कई साधुओं की जानिब से की जा रही है और इसे मनहूस घड़ी कहा जा रहा है। वादर है कि इसी शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना साधु वाला गेटअप बनाया है। जिस तरह से बड़ी मूछें प्रधानमंत्री ने रखी है, बंगाल चुनाव के लिए भी रखी गई है, ऐसा कईयों का कहना है। प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए पहुंचेंगे और 5 चांदी की ईंटें राम मंदिर की बुनियाद के तौर पर रखेंगे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक अभी जो वक्त तय किया गया है बड़ा ही मनोहर है, यानी अशुभ घड़ी है। काशी के योग गुरु चक्रवर्ती विजय नावट ने कहा कि फलक शनासी यानी नक्षत्र विज्ञान के देश के चोटी के दानिश्वर आचार्य द्रविड़ काफ़ी बारीकी से इल्मे नुजूम के माहिरीन में शुमार किया जाता है और इसी के मद्देनज़र इनकी मकबूलियत के चलते राम मंदिर जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने मुहूर्त निकालने का पंडित गणेश्वर शास्त्री जी से गुजारिश की थी। पर 4 मार्च यानी जो वक्त मोदी हुकूमत ने रखा है किसी भी मुबारक काम के लिए ठीक नहीं है। अब सियासी जंग भी जारी हो चुकी है। अक्सर पार्टियों का कहना है कि पूरा देश कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से जूझ रहा है, क्या राम मंदिर की इतनी जल्दबाजी है? राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने इसे सियासी मुफाद हासिल करने के लिए नया तमाशा भाजपा की जानिब से खड़ा किया गया, ऐसा इनका कहना। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ही दिया है तो जल्दबाजी किस बात की? देश के सामने और भी मसाइल है जिसकी देश को जरूरत है। शरद पवार ने तो यह भी कहा कि क्या राम मंदिर तामीर करने से कोरोना भाग जाएगा? यकीनन सभी के जज्बात राम मंदिर से जुड़े हैं, किसी एक पार्टी के राम नहीं है। कई सियासी पार्टियों ने 5 तारीख को ही शिलान्यास करने पर कहा कि कश्मीर से दफा 370 हटाने का साल मुकम्मल हो रहा है, मोदी हुकूमत तमाम महाज पर नाकाम हो चुके। गरीबी, बेरोजगारी, गिरता रुपया, महंगाई तारीखी मकामात पर पहुंच चुके हैं। अब मोदी हुकूमत को सिवाय राम मंदिर के कोई रास्ता नहीं, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी का शिलान्यास में पहुंचना ही गैर आइनी और गैर लोकतांत्रिक है। यह सिर्फ आने वाले चुनाव के मद्देनजर खेल खेला जा रहा है। कोरोना से मौतें बढ़ रही है। आसाम बिहार में बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, बीमारी से परेशान लोग इलाज ना होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। चीन भारत जंग की कगार पर है।
चीन भारत में घुस चुका है, हजारों फौजियों के दस्ते सरहद पर तैनात कर चुका है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान सभी भारत को आंखें दिखा रहे हैं और हमारे देश में धर्म की राजनीति खेली जा रही है। अब यह राजनीति सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का ही फायदा कर सकती है और यही वो लोग हैं जिन्हें देश की बर्बादी की कोई परवाह नहीं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।